अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान साइंस क्लब में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे एक पावरफुल टेस्ला कॉइल। ये पावरफुल टेस्ला कॉइल जो है प्रीवियस जो टेस्ला कॉइल हम बना चुके हैं उससे काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, और ये बहुत आसान और बहुत सिंपल कंपोनेंट से हम इसको बना सकते हैं। तो इनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो कंपोनेंट्स रिक्वायर हैं, एक ट्रांजिस्टर जिसका नंबर है TTC5200, 10 किलो ओम का एक रेजिस्टर, एक सिरेमिक कैपेसिटर, कुछ कनेक्टिंग वायर्स और प्राइमरी और सेकेंडरी टेस्ला कॉइल। ये कॉइल जो टेस्ला कॉइल जिसका कॉइल है, फर्स्ट कॉइल को हमने बनाया है 1 इंच डायर का पीवीसी पाइप और जिसकी लेंथ ऑलमोस्ट 1 फीट है, और इसके ऊपर 28 गेज की तकरीबन 600 टर्न्स हमने बिल्कुल एक साथ जो है कर की हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ हमें जो सेकेंडरी कॉइल है हमारी 1.5 इंच के और तकरीबन 2 इंच पीवीसी पाइप हमने लिया है, और इसके ऊपर इसी कॉइल 28 गेज के जो कॉइल को पैरेलल हमने डबल करके इसी के ऊपर लपेट लिया है। इसकी तकरीबन 4 से 5 टर्न्स जो है हमने इसकी बना ली हैं। अब इस टेस्ला कॉइल को हम इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक कनेक्ट करेंगे। तो अच्छा, इसके साथ क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, और इसके लिए हम एक हैवी सीपीयू का एक हीट सिंक इस्तेमाल करेंगे, और इसमें हमें एक 30 या 35 वोल्ट का एडाप्टर हमें चाहिए होगा। ये हम कोई सा एडाप्टर, 30 वोल्ट डीसी पावर का एडाप्टर है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इसको जो है असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम कॉइल है, फर्स्ट कॉइल, इसको हम एक वुडन बेस के ऊपर जो है अटैच कर लेंगे, और उसके बाद ट्रांजिस्टर को हम सीपीयू के हीट सिंक पर हम एक वायर की मदद से जो है इसमें हम फिक्स कर देंगे। या इसमें हमें काफ़ी बड़ा हीट सिंक की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो यहाँ से पैदा होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर को जो है इस हिसाब से हमने सेट कर दिया है। ट्रांजिस्टर के अंदर इनमें मेन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। तो इस ट्रांजिस्टर के टर्मिनल की कॉन्फ़िगरेशन ये है कि अगर आप बिल्कुल फ्रंट पर रखें तो आपके राइट साइड का जो टर्मिनल है ये एमिटर कहलाएगा, सेंट्रल टर्मिनल इसका कलेक्टर है, और इसका लेफ़्ट टर्मिनल जो है वो बेस कहलाएगा। सो अब हम इसको कनेक्शन देंगे, कनेक्ट करेंगे। बहुत सिंपल सर्किट आप देख सकते हैं, और ये आपको हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। सबसे पहले हमें कॉइल का फर्स्ट टर्मिनल को हम रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसके साथ यहाँ से दूसरी वायर जो कनेक्ट हो जाएगी इस ट्रांजिस्टर के साथ। तो हम यहाँ पर इनको कनेक्ट कर देते हैं एक वायर की मदद से, और ये मैं टेम्प्रेरी तौर पर जो है इसको कनेक्ट करूँगा, और उसका दूसरा टर्मिनल जो है कनेक्ट हो जाएगा इस ट्रांजिस्टर के पार्ट के साथ। आप देख सकते हैं कि बेस को हमने प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट कर दिया है, और इसके सेंटर में हमने एक रेजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। इसके साथ फिर रेजिस्टर के दूसरे एंड पर कैपेसिटर को हमने ऐड करना है, और इसी को अगर आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर है, रेजिस्टर का जो दूसरा एंड है जो कि बैटरी से कनेक्ट होगा, कैपेसिटर से कनेक्ट होगा, और इस कॉइल के साथ कनेक्ट होगा। तो हम यहाँ पर इनको एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो जाएगा, और इस ट्रांजिस्टर के साथ बेस का जो इसका ट्रांजिस्टर, इस कैपेसिटर के टर्मिनल के साथ इस ट्रांजिस्टर के एमिटर को हमने कनेक्ट करना है। आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल वाज़े तौर पर। इसके साथ इसका सेंटर पॉइंट, ट्रांजिस्टर का जो सेंटर पॉइंट है
इस ट्रांजिस्टर के सेंट्रल पॉइंट को हमने कनेक्ट करना है सेकेंडरी कॉइल के एक टर्मिनल के साथ। तो इसके लिए मैं एक क्रोकोडाइल कनेक्टर्स की मदद लूँगा और इसको हमने इनके साथ इस तरह कनेक्ट करना है और फिर इस पीवीसी पाइप को इसके ऊपर जो है इसके अंदर डाल देंगे। जी अब हम इसको कनेक्ट करते हैं। हमारा सर्किट जो है ऑलमोस्ट डन है और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने कनेक्ट कर दिया ट्रांजिस्टर सॉरी कैपेसिटर के टर्मिनल और यानी आप देख सकते हैं कि सर्किट के मुताबिक हमने जो डिज़ाइन किया था कैपेसिटर प्लस ट्रांजिस्टर और इसके एक टर्मिनल के साथ। तो अब इसको हम कनेक्ट करते हैं और इसके नज़दीक एक बार और ये देखें ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है।